करहल पंचायत बनी भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का अड्डा। महिला ने लगाए 50% दलाली के आरोप। कलेक्टर यहां भी आकर देखें। खबर करहल से है, जहां आज प्रार्थिया मनोरमा बंसल ने SDM से शिकायत की है कि पंचायत में दलाली न देने के चलते उनके पेयजल के बिल भुगतान नहीं किए जा रहे हैं। हमसे बात करते हुए प्रार्थिया ने बताया कि उन्होंने करहल ग्राम पंचायत में पेयजल व्यवस्था संबंधी कई कार्य कर चुके हैं, जिसमें बिल भुगतान 3,33,000 रुपये हो चुका है। कई बार बिल पंचायत में लगा चुकी हूँ, मगर हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बिल पास नहीं किए जा रहे हैं। बाद में बिल भुगतान के लिए मोटी कमीशन की मांग करने लगे, जो कि मैं देने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैंने कोई फर्जी बिल नहीं लगाए हैं जो पंचायत वालों को दलाली देती फिरूं। वहीं दूसरी ओर बिना जमीन पर काम किए तो करहल पंचायत सारी राशि निकाल लेती हैं, तब तो कोई नियम कायदा बीच में नहीं आता है। और करहल के कई फर्मों के नाम पर फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि को पंचायत के ठेकेदारों द्वारा डकार लिया जाता है। इस संबंध में करहल जनपद CEO अभिषेक त्रिवेदी को भी कई बार अवगत करा चुकी हूँ, मगर लगता है कि इस दलाली में अधिकारियों का भी हिस्सा है, इसलिए कार्यवाही नहीं की जा रही है। जो ईमानदारी से काम करके बिल लगाते हैं, उनके बिलों पर दलाली ना मिलने के चलते लटका दिया जाता है। मेरे द्वारा CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसका पंचायत ने झूठा जवाब देकर कटवा दिया गया और शिकायत से खेत्र होकर मुझसे काम भी छीन लिया गया। शिवपुर कलेक्टर संजय कुमार, वैसे तो पंचायतों के भ्रष्टाचार उजागर रहे हैं और भ्रष्ट सरपंच सचिव पर मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, फिर भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करके बैठी करहल पंचायत पर उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ रही है? या फिर जनपद के अधिकारी और करहल पंचायत के ठेकेदारों द्वारा कलेक्टर को भ्रमित कर दिया जाता है? SDM साहब से करहल पंचायत के भ्रष्ट लोगों की शिकायत की है, यदि यहां से भी काम नहीं हुआ तो शिवपुर कलेक्टर से शिकायत करूंगी। वहीं पंचायत इंस्पेक्टर ने हमसे बात करते हुए बताया कि इनकी राशि का भुगतान करहल पंचायत द्वारा जल्द करवाया जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोरमा बंसल है। आप जनपद पंचायत करहल आई हैं, अभी आप तहसील में आवेदन देने गई थी SDM साहब के पास, क्या मामला है? जी, मामला ये है कि कोरोना के समय में हमने जो कार्य किया था उसका मोटर वगैरह ग्राम पंचायत का, तो उसका भी बिल पेमेंट नहीं हुआ है। वो कब से फिर रहे हैं, चक्कर लगाते फिर रहे हैं, कुछ पेमेंट का कुछ बोले, आप 50% मांगते हैं, इसको हम क्या करें? मतलब आप कह रही हो कि आपने कोरोना के समय पे पेयजल व्यवस्थाओं के लिए ग्राम पंचायत कराल के लिए कार्य किया था जी, 50% का, इस संबंध में आपने SDM साहब से क्या कहा जी? उनसे ये बोला, वो बोलते बस यही बोलते हैं कि हो जाएगा, और अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसका, खूब चक्कर लगा लिए, यहाँ पर भी हो गए, पंचायत में भी हो गए, ग्राम पंचायत कराल पंचायत जो 50% दलाली आपसे आपके बिलों पर मांग रही है, आप किस किस इसकी शिकायत आपने जनपद पंचायत में यहाँ पे जो CEO साहब उनसे की थी? जी, की थी, दो तीन बार कर दिए, हो गया, कुछ नहीं करते, वो तो ये कहते हैं हो जाएगा, कर देंगे तुम्हारा, कुछ नहीं हुआ और अभी तक। मतलब CEO साहब के द्वारा आपको कहा जाता है कि करवा देंगे, हाँ। क्यों नहीं करवा पा रहे हैं वो? ये 50% मांग रहे हैं, 50% कहाँ से दें, इतना बिल थोड़ी ना है कि उनको 50% असली है, ये तो बिल नकली थोड़ी ना है, अगर बताते तो उसको और करते कुछ तो 50% देते, ये तो ओरिजिनल जो काम की मेहनत की है उसके पैसे है, ये तो वैसे तो है नहीं ना कि उनको 50% कहाँ से दे दे उसका लिए। जी, दो तीन बार आ गए, तीन चार बार आ गए यहाँ पर, तो उन्होंने भी कह दिए कर देंगे, अब तक कुछ हुआ नहीं, तो उसका मतलब ये है कि ये भी अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं। और आपने जो कोविड में काम किया है, कितना पेमेंट बना है आपका कुल? जी, उसका है 3,30,000। तो इतना लंबे पेमेंट का काम आपने बिना चेक बिल भुगतान के क्यों कर दिया आपने? उस समय कहा था उन्होंने, कहा आप तो काम करो, हम पेमेंट तो आपका हो जाएगा, पर हमने भी ये सोचा चलो इन लोगों को किसी को परेशानी ना आए, कोरोना के समय में चल ही रहा था, बेकार समय चल रहा था, तो सोचा चलो काम कर देते हैं इनका, कि ना पानी की समस्या ना आए, किसी को परेशान ना हो, इस चक्कर में कर दिया था उनका काम, लेकिन पेमेंट का कुछ हुआ ही नहीं है, काम तो हो गया, पेमेंट का कुछ नहीं, तब से बिल पे बिल लगते चले गए, काम नहीं हुआ है। फिर जब से लेके 2 वर्ष में आपने पंचायत से यही जवाब मिला है कि आपका पेमेंट नहीं किया जाएगा? जी जी, यही पेमेंट, यही जवाब मिला है कि आपका हो जाएगा, किया नहीं है, पर उन्होंने जी CM हेल्पलाइन लगाई थी, उनसे CM हेल्पलाइन से जाता है जवाब कि आपका पेमेंट हो गया है, और पेमेंट में कुछ भी नहीं है, हमारा खाता नंबर देख लो, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपकी CM हेल्पलाइन क्या पंचायत द्वारा बंद भी करवा दी गई है? जी, एक बार तो करवाई थी, अब चालू है, पर उससे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, बस यही बोल देते हैं कि आपका पेमेंट हो गया है। यदि आपका कार आज SDM साहब की आपने शिकायत की है, यहाँ से कार नहीं होता है, तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? जी, अगर यहाँ से काम नहीं होता है तो कलेक्टर के पास जाएंगे, यहाँ की भ्रष्ट ये जनपद है ना, यहाँ उसके बारे में बताएंगे कि मतलब कितना फ्रॉड है, जिसने कुछ किया नहीं है उसके काम तो उसका तो पेमेंट हो जाता है, और जिसका हमारा पंचायत के बारे में बताएंगे कि जिसने कुछ किया नहीं है, जिसका कुछ नहीं है उसके काम तो हो जाते हैं, और जो सच्चा है, जिसका सही में पेमेंट पैसा चाहिए, उसका कुछ नहीं हुआ। हमने पेमेंट का मांगा तो पेमेंट तो छोड़ो, पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, और जो बाकी जो करते थे काम वो भी बंद करवा दिया कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है,
रहने दो तुम, अब कर लेंगे हम। यानी जो पंचायत आपसे कार कराती थी वो कार भी आपसे छीन लिया गया है। जी बिल्कुल, तो आपने इसकी शिकायत की? शिकायत उससे की तो थी, कुछ नहीं हुआ उससे, कुछ नहीं। लगाए जा रहे हैं ये शिकायतकर्ता, आज आई है यहाँ पे, कुछ फर्जी फर्मों की भी बता रही हैं, कुछ ऐसे काम भी बता रही हैं जो हुए नहीं और पूरा पेमेंट हो गया है। सर आप सर अपनी जिम्मेदारी क्यों यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं? पहली बात तो ये कि इस तरह की सूचना आपसे हमें पहली बार प्राप्त हो रही है कि 50% तक कमीशन लिया जाता है। हालांकि अगर ये बात है तो मैं सघन रूप से जाँच करके आज और कल दो दिन में ही निराकरण करूँगा इसका। इनके सर बिल हैं कोरोना काल के, ये बता रही हैं कि हमने मानवता के नाते कोरोना में इन्होंने कहा था कि पेमेंट नहीं आया तो हमने बिल काम ज़्यादा कर दिए थे तो 30 का पेमेंट हो गया है। तो सर इनका पेमेंट ना करना सर ये कहाँ की सर प्रशासन के रवैये को बताता है? सर मनोरमा बंसल के पहले भी बिल थे, जो परमाल सिंह राठौर सचिव थे तत्कालीन, उस समय भी थे, तो उस समय का भी भुगतान जनपद के कहने पर पंचायत द्वारा किया गया था। और इनके जो भी बिल हैं उनको देख करके अगर सचिव पुराने सचिव से वेरीफाइड हैं, सत्यापित हैं, तो उनको पूरे भुगतान कराने की कोशिश की जाएगी। जो सर आपके पंचायत के कर्मचारी हैं सर, जो वो तो सर इतना तक आरोप लगाते हैं कि ये पेमेंट केवल हम पे नहीं जाता है, जनपद भी पहुंचता है, जिला पंचायत तक भी पहुंचता है, सर वो तो आपके सिस्टम को ही बदनाम करने में लगे हैं। सर ऐसे कराल के सर कर्मचारियों के लिए आप क्या कहते हैं? ये सरासर झूठ है। जनपद पंचायत या वरिष्ठ अधिकारी कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, आज तक किसी भी पंचायत में नहीं किया है, और अगर इस तरह कहते हैं तो वो गलत है। ऐसे लीपापोती करके पेमेंट निकाला और शासन के पैसे को खुर्दबुर्द किया है, तो सर ऐसे मामले आपके सामने आते जाएंगे सर, तो क्या इन पर कार्रवाई आप सुनिश्चित करेंगे? बिल्कुल, अगर गलत हैं तो कार्रवाई सुनिश्चित है।